100 में से 10 पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात लैंगिक कठोरता नहीं आना, ये प्रॉब्लम है। और 100 में से 30 पुरुषों को जल्दी निकल जाना अर्थात शीघ्रपतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा लिंग सिकुड़ जाना, रात में बिस्तर गीला होना, पेशाब के साथ में निकल जाना, हस्तमैथुन की आदत से परेशान होना, लिंग में टेढ़ापन होना आदि काफ़ी सारी सेक्स समस्याएं लोगों को होती है। शर्म के मारे लोग आपस में बातचीत भी नहीं करते। इवन जब पति पत्नी हमारे पास में आते हैं तो वो पत्नी को बाहर बिठाता है और फिर बोलता है कि मुझे सेक्स प्रॉब्लम है। मैं उनको मजाक में बोलता हूँ कि आपके पत्नी को मालूम नहीं कि आपको प्रॉब्लम है? बोले मालूम है। बोले फिर उसके सामने बोलने का क्या प्रॉब्लम है आपको? बोलो सामने कि भाई मेरे को सेक्स प्रॉब्लम है। नहीं, अच्छा नहीं लगता। मतलब पत्नी के सामने आप बोल नहीं सकते, मगर पत्नी के साथ में आप सेक्स कर सकते हैं, मगर बोल नहीं सकते, ये कौन सी बात हो गई? इतना शर्मा शर्मी हमारे मतलब चलती है हमारे समाज में, हमारे कल्चर में। तो इसलिए फिर लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई अच्छी दवाई कौन सी है। आपको पता ही है कि जैसा वायग्रा सिल्डेनाफिल है, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम ऐसे डोज में आती है। टाडालाफिल है 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। वर्देनाफिल आती है 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। दवाइयाँ काफ़ी महंगी भी है और उसके साइड इफेक्ट भी है। फिर लोग पूछते कि भाई ठीक है बिना साइड इफेक्ट वाली दवाई बताओ। तो मैं आज ऐसी आपको 5 आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताने वाला हूँ जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते तो डेफिनेटली आपके सेक्स लाइफ में फ़ायदा होगा। इसमें नंबर 1 है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये पाउडर मात्रा में आपको मिलती है। अश्वगंधा जो है यह धातु की मात्रा बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा लाना, वीर्य की मात्रा बढ़ाना इसमें बहुत अच्छा काम में आता है। सेक्स के दौरान आप थकेंगे नहीं। अश्वगंधा 1 चम्मच आप शहद में या दूध में मिलाकर रात को रोज ले सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते आप ले लो, देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा, जरूर कमिटमेंट डालिएगा। नंबर 2 जो है शिलाजीत। शिलाजीत यह शक्तिवर्धक है और वीर्यवर्धक है, वीर्य की मात्रा बढ़ सकती है। शिलाजीत की तासीर बहुत गर्म है, इसलिए शिलाजीत जब आप लेते हैं तो तली हुई चीज़ें, ज़्यादा खटाई वाली या ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खाना है। शिलाजीत की 2 कैप्सूल आप रोज ले सकते हैं गाय के दूध के साथ में। 4 से 6 हफ्ते आप ले लो, बताइए कितना फ़र्क हुआ, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नंबर 3 जो है वह है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली की पाउडर मिलती है, यौन दुर्बलता में बहुत काम में आती है। नपुंसकता, शीघ्रपतन इसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आप 1 चम्मच दूध में सफ़ेद मूसली मिलाकर थोड़ी शक्कर उसमें आप डाल के आप ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन और नपुंसकता मतलब लैंगिक कठोरता में हो जाएगा। नंबर 4 जो है वो है त्रिफला चूर्ण। जैसे त्रिफला चूर्ण का नाम हम लेते हैं हमको लगता है कि अरे ये तो कब्ज के लिए दवाई है, कब्ज के लिए तो दवाई है ही है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण पेट साफ करता है, एसिडिटी कम करता है। त्रिफला मतलब 3 मिला के है, आंवला, बहेड़ा और हरड़, ये 3 मिला के चूर्ण बनाया जाता है। इसमें आप सेक्स करते हैं, रोज लेते हैं आप त्रिफला चूर्ण, तो पेट भी साफ होगा और आप सेक्स करने के समय थकेंगे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। 1 चम्मच शहद में या 1 चम्मच दूध में आप रोज़ त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो सवेरे पेट भी साफ हो जाएगा और आपका सेक्स लाइफ भी बहुत बेहतर बन जाएगा। 5वां जो है वो है कौंज बीज चूर्ण। ये कौंज बीज जो है यह सेक्स पावर बढ़ाता है, नपुंसकता ठीक करता है। यह 1/2 चम्मच दूध में आप 2 बार लेते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद में आपको लेना है। ये गाय के दूध में के साथ में लेते तो बहुत ही बढ़िया है और ये भी 4 से 6 हफ्ते आप लेते हैं तो आपके सेक्स लाइफ में बेहतरीन फ़ायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जो है कि भाई रेगुलर डाइट लेना, बैलेंस फूड, बहुत ज़्यादा फल सब्जियां खाना, 40 मिनट की रोज की एक्सरसाइज, तंबाकू शराब का सेवन नहीं करना, मीठा बंद और हरदम फ्रेश रहना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, 7 से 8 घंटे नींद लेना, ये आप लेते तो आप बहुत तंदुरुस्त रहेंगे, फिजिकली आप फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, आपका सेक्स लाइफ बहुत ही एंजॉयबल रहेगा। आपके दिमाग से निकालना पड़ता है, विशेषता हमारे देश में हमारे कल्चर में स्त्रियां जो रहती है महिलाएं, उनके दिमाग से कि अभी बच्चे हो गए अभी क्या सेक्स करना, ये बहुत कॉमन देहात में मालूम पड़ता है कि
भाई सेक्स तो हो गए, बच्चे हो गए, अब क्या बूढ़े हो गए, या अब क्या उम्र है क्या, ये डायलॉग कौन बोलता है? हमारे समाज में 35 साल के ऊपर की लड़कियाँ या लड़की भी बोलती कि नहीं नहीं अभी तो दो दो बच्चे हो गए, अब क्या अच्छा लगता है क्या सेक्स करने के लिए। तो ये एजुकेशन करना ज़रूरी है। हमारे सेक्स वेबिनार्स होते हैं जिसमें हम सेक्स के बारे में एजुकेशन करते हैं, गलत फहमियाँ लोगों की दूर करते हैं, और एक अच्छा वैवाहिक जीवन कैसा जी सकेंगे उसके बारे में कोचिंग करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे वेबिनार्स में ज़रूर ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच।